हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम technobuzz.net। अगर आप Redmi Note 5 Pro के यूज़र हैं और Android Pi का वेट कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि Android Pi से पहले आपको एक और अपडेट मिलेगा जो कि Oreo के ऊपर बेस्ड होगा और जो कि फाइनली चाइना के अंदर जो है मिलना स्टार्ट हो गया है 10.3.4.0, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। हमने अपने फ़ोन के अंदर आज चाइना का जो स्टेबल वर्जन है MIUI 10 का, उसको इंस्टॉल कर रखा है। आप देख पा रहे होंगे मॉडल नंबर Redmi Note 5 Pro डिवाइस Redmi MIUI वर्जन 10.3.4.0, एंड्रॉइड वर्जन 8.1.0। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि इसके अंदर क्या नए फीचर्स हैं और आपको ये कब तक मिलने की उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये Redmi Note 5 Pro है और आप लोग Android Pi का वेट तो कर ही रहे होंगे। बीटा में Android Pi जो है ऑलरेडी आ चुका है, स्टेबल में अभी तक नहीं आया है। बट अगर आप स्टेबल यूजर हैं 10.2.2.0 के ऊपर, तो मे बी आपको आने वाले कुछ दिनों के अंदर 10.3.4.0 Android Oreo ही मिल सकता है। Pi से पहले आपको एक अपडेट और देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अपडेट जो है अभी चाइना के अंदर जो है स्टार्ट हो गया है। आप देख पा रहे होंगे ऑल स्पेक्स में मैं आपको दिखा दिया है पहले ही MIUI वर्जन 10.3.4.0। ये चाइना का रूम है, इस टाइम चाइना में मिलना स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर गूगल एप्लीकेशंस इंस्टॉल नहीं होते हैं, यानी प्री इंस्टॉल्ड इसके अंदर गूगल की कोई भी एप्लीकेशंस नहीं आते हैं, आपको अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो ये वीडियो मैं आपको इसलिए बना रहा हूं कि आने वाले दिनों में जो काफी लोग वेट करते थे स्टेबल वर्जन कब आएगा, कब आएगा पाई का, तो उससे पहले आपको ओरियो का वर्जन मिल सकता है और उसमें कुछ आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो वो चेंजेस क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं। इनके जो व्हाट्स न्यू का जो फीचर होता है चेंज लॉक, उसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपको फेस अनलॉक सपोर्ट मिलता है ऐप अनलॉक के अंदर, जो कि बेटा यूजर्स को बहुत पहले ही मिलना स्टार्ट हो गया था। लॉक स्क्रीन स्टेटस बार और नोटिफिकेशन शेड्स के अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए, जैसे ऑप्टिमाइजेशन द हाइट ऑफ स्टेटस बार इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द नॉच नाउ। अगर नॉच वाले कुछ फोन है तो उसके अंदर ये चीज को फिक्स किया गया है। क्लॉक के अंदर कुछ चीजें फिक्स की हैं, टाइमर बटन स्टार्टर फ्लैशिंग आफ्टर बीइंग टैप्ड और क्लॉक फोर्स क्लोज्ड ऑन सम स्पेसिफिक डेट्स। तो ये एक बग था जो देखने को मिल रहा था काफी सारे लोगों को, उसको भी इसके अंदर फिक्स किया गया है। सेटिंग्स में देखें तो सेटिंग्स में क्या मेंशन किया है, द ऐप सेक्शन ऑफ द सेटिंग्स गॉट अ स्ट्रक्चरल रीपैप एंड फिक्स आइकन्स वर नॉट डिस्प्लेड करेक्टली देयर एडजस्टेबल फॉन्ट्स। ये भी इसके अंदर आपको चेंज देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको एक गेम स्पीड बूस्टर भी देखने को मिलेगा अपने फोन के अंदर, जिसके थ्रू आप अपने किसी भी गेम को जो है परफॉर्मेंस को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। उसमें नोटिफिकेशन को डिसेबल कर सकते हैं, रैम को क्लियर कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत चीजें आपको एक पॉपअप विंडो देखने को मिलेगी गेम के ऊपर। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे जो बेटा के जितने भी वीडियो हैं उसमें जाके चेक कर सकते हैं, ये बीटा यूजर्स को बहुत पहले ही मिलना स्टार्ट हो गया था। तो ये चेंज लॉक जो है इसके अंदर मेंशन किया गया है। कैमरा टू एपीआई अभी भी नहीं दिया गया है, आपको दिखा देता हूं मैं। ये देखिए कैमरा टू एपीआई आपको अभी भी नहीं मिलता है, ना चाइना में मिला है और ग्लोबल में भी आपको नहीं मिलने वाला है। कैमरा एज इट इज वैसे ही है, कैमरे में कोई मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं, आपको वही मोड मिलते हैं सारे के सारे। AI मोड आपको इसके अंदर अभी भी नहीं मिलता है और वीडियो के अंदर आपको मैं दिखा देता हूं आपको 4K रिकॉर्डिंग मिलती है कि नहीं मिलती है। वीडियो के अंदर आपको 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, 30fps और 60fps 1080p पे ही आप वीडियोस को शूट कर सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस किए गए हैं आपको इसके अंदर जो है सेटिंग्स पहले मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। डिस्प्ले के अंदर जाएंगे तो आपको वही ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पे डार्क मोड देखने को नहीं मिलता है कि आप सोचेंगे आपको डार्क मोड मिलेगा, डार्क मोड आपको पाई में ही मिलेगा जाके। वॉलपेपर थीम्स वगैरह सेक्शन में छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं। थीम्स के अंदर आपको एक नया फीचर अब देखने को मिलेगा जो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप थीम्स में जाएंगे, थीम्स एप्लीकेशन में उसको ओपन करेंगे, अपने अकाउंट पर जाएंगे तो आपको अब जो है इसके बेटा फीचर्स वाले जो चीज़ें हैं वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। जैसे कि देख पा रहे हैं बेटा फीचर्स, अब आपको इसके अंदर ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर का इफेक्ट भी देखने को मिल जाएगा जो स्टेबल आपके लिए आने वाला है। मैं बता नहीं सकता स्टेबल कब तक आएगा, पर उम्मीद ये की जा रही है कि एंड्रॉइड पाई से पहले आपको एक अपडेट और मिलेगा स्टेबल का, जो कि ये हो सकता है 10.3.4.0। तो ये चीज़ें इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं आपको। साथ ही साथ आपको गेम बूस्टर मिल जाता है, ये देखिए गेम स्पीड बूस्टर, जिसके अंदर आप अपने गेम्स को ऐड करके उनकी परफॉर्मेंस को थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो मैं ऐप अनलॉक की जो बात की थी, वो आपको ऐप अनलॉक में जाके अब आपको फेस अनलॉक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये देखिए आप सेटिंग्स में जाएंगे, अब आपको यहाँ पे आप जो ने ऐप्स को अपने जो अनलॉक कर रखा होगा लॉक कर रखा होगा उनको अब आप जो है फेस अनलॉक के थ्रू भी अनलॉक कर सकते हैं इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद। ये फीचर भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल जो है ये छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया इसके अंदर आपको इसके अंदर फेस अनलॉक का ऑप्शन मिलता है,
गेम स्पीड बूस्टर मिलता है आपको, थीम्स के अंदर जो है बेटा थीम्स का जो फीचर होता है वो मिले देखने को मिला है, ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर का, और डार्क मोड अभी आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो ये कुछ चेंजेस थे जो मैं आपको इसके अंदर दिखाना चाहता था। बेंचमार्क स्कोर में कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है, बेंचमार्क स्कोर जो है एज इट इज़ उतना ही है जितना पहले ही होता है रेडमी नोट 5 प्रो का, बट पाई के अंदर जो है बेंचमार्क स्कोर जो है काफ़ी इंप्रूव हुआ है, 117 तक जा रहा है, बट अभी आपको ओरियो के अंदर 113.677 ही देखने को मिल पा रहा है इस टाइम के अंदर। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आपको इस टाइम पे चाइना के वर्जन में देखने को मिल रहे हैं। तो मे बी यही चेंजेस आपको आने वाले दिनों के अंदर आपको ग्लोबल वर्जन के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। तो बस ये वीडियो इसी के ऊपर था कि आपको ओरियो का एक अपडेट और मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।